गुड मॉर्निंग दिल्ली, मैं हूं आपके साथ मरियम अली। तो चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुलंदशहर जाएंगे, वहां वो जाकर जनता को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर में चोला क्षेत्र स्थित चांदमारी मैदान पर जनसभा करेंगे। माना जा रहा है कि इस रैली में संबोधन के जरिए पीएम लोकसभा चुनाव 2014 का शंखनाद करेंगे। इससे पहले 2014 में भी बुलंदशहर से ही लोकसभा चुनाव का वो शंखनाद कर चुके हैं। आयोजकों का दावा है कि इस रैली में करीब 2,00,000 लोग पहुंच सकते हैं। पूरे वेस्टर्न यूपी से लोगों को लाने का फोकस किया गया है। नोएडा और गाजियाबाद से भी सैकड़ों गाड़ियां बीजेपी कार्यकर्ता रैली में शामिल होने जा रही है। अकेले ग्रेटर नोएडा से बीजेपी ने 300 बसें और 1500 कारों का इंतजाम किया। प्रधानमंत्री की जनसभा की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए बुधवार यानी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों, सांसद, विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की। साथ ही पीएम मोदी के लिए तैयार किए गए मंच पर पहुंचकर सभा स्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी आज मेरठ बुलंदशहर सहारनपुर मंडल की 20,435 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। नोएडा और ग्रेनो के भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। जनसभा स्थल पर मौजूद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में भाजपा प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। वहीं सड़क मार्ग से पीएम का रूट होने पर सुरक्षा के लिए इस रूट पर करीब 1,000 पुलिस कर्मी और 3 कंपनी पीएसी लगाई गई है। इससे अलग 10 थानों के प्रभारी और तीनों जोन के डीसीपी तैनात रहेंगे। डीसीपी शाद मियां खान ने बताया कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर सीधे जनसभा स्थल के पास उतरेगा, लेकिन कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका तो काफिला सड़क मार्ग से जाएगा। इस रूट पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तीनों जोन की पुलिस अलर्ट मोड पर है। उधर पीएम की जनसभा में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 5,000 पुलिस कर्मी होंगे, जिनमें करीब 100 इंस्पेक्टर, 1,000 से ज्यादा दरोगा, करीब 800 हेड कांस्टेबल, 500 महिला पुलिस कर्मी और करीब 2,500 पुरुष तैनात किए जाएंगे। इनमें से करीब 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी की ड्यूटी गौतम बुद्ध नगर से लगी है। इसके अलावा 8 कंपनी पीएसी, 3 कंपनी आरएएफ, 1 कंपनी आईटीबीपी की सुरक्षा के लिए मिली है। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर को अब मुजफ्फरनगर तक पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। पिछले दिनों एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग में ये मामला उठाया गया। बैठक में इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने को कहा है, ताकि प्रोजेक्ट को मुजफ्फरनगर तक ले जाया जा सके। इसमें एनसीआरटीसी से ट्रैफिक स्टडी करवाने की बात चल रही है, जिससे ये पता चल सके कि इस कॉरिडोर के मुजफ्फरनगर तक बढ़ाए जाने पर कितने यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। इस ट्रैफिक स्टडी की रिपोर्ट आने के बाद इस दिशा में आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक स्टडी के लिए फंड कौन देगा, इस पर अभी विचार विमर्श जारी है। इसमें एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और मुजफ्फरनगर से फंडिंग करवाने की बात चल रही है। अधिकारियों की माने तो किसी प्रोजेक्ट को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब ट्रैफिक स्टडी की रिपोर्ट आ जाती है। जब ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को इसके बनाए जाने से फायदा होगा तो प्रोजेक्ट की डीपीआर समेत अन्य कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। मालूम हो कि रैपिड रेल का नेटवर्क अभी गाजियाबाद से जेवर से लिंक किया जा रहा है। साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच ट्रेन चल रही है, जबकि दुहाई से मोदी नगर के बीच ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। जल्द ही उसका संचालन भी शुरू किया जाएगा। मीटिंग में शामिल हुए अधिकारियों ने बताया कि मेरठ से मुजफ्फरनगर तक रैपिड रेल को ले जाने के लिए वहां की पब्लिक की मांग है, जिससे वहां के जनप्रतिनिधि ने उत्तर प्रदेश शासन तक अप्रोच किया था। उनका तर्क ये था कि रैपिड रेल अभी तक आधी मेरठ को कवर कर रही है, इससे आगे मुजफ्फरनगर तक बढ़ाए जाने से वहां के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। उनका दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा तक आवागमन आसान हो जाएगा। उधर ठंड की बात करें तो लगातार उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। लोगों को अभी तक ठंड से राहत नहीं मिली है। आईएमडी भी लगातार अलर्ट जारी कर रही है, लेकिन शीतलहर में कोई कमी नहीं आ रही। जनवरी भी अब जाने वाला है, लेकिन ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही। आलम यह है कि कोहरा भी मुसीबत बढ़ा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में पिछले कई दिनों से एक एक दिन कोहरे और ठंड के बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन की बात करें तो सुबह एक बार फिर कोहरे का पूर्वानुमान येलो से बदलकर ऑरेंज कर दिया गया। सुबह के वक्त कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर और इससे भी कम रही। आज भी सुबह से राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा।
जिससे विजिबिलिटी काफी कम रही। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें और फ्लाइट्स भी देरी से चल रही हैं। IMD के मुताबिक बीते कल भी घना कोहरा छाया रहा। इस दौरान सफदरजंग की विजिबिलिटी 200 मीटर और IGI की 250 मीटर रही। अधिकतम तापमान 18.3 डिग्री रहा। ये सामान्य से 2 डिग्री कम है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8.3 डिग्री दर्ज किया गया। उधर पालम में अधिकतम तापमान महज 15.6, गुरुग्राम में 14.9, फरीदाबाद में 15.4, जाफरपुर में 15.1 और मंगेशपुर में 14.8 डिग्री रहा। वहीं स्काई मेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार शाम को लोधी रोड में 0.5 mm बारिश हुई। अब आगे इसकी संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक महसूस हुआ, हालांकि वास्तविक तापमान 8 डिग्री के आसपास बना रहा। अब अगले 3 से 4 दिनों तक कड़ाके की ठंड के साथ सुबह कोहरा रह सकता है। वहीं गणतंत्र दिवस का उत्सव ठंड और कोहरे के साए में ही बीतने का अनुमान लगाया गया है। चलिए बात करते हैं भारत से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की। मालदीव के अहम विपक्षी दलों MDP और द डेमोक्रेट्स ने मोहम्मद मुइज्जू सरकार की विदेश नीति की आलोचना की है। 87 सदस्य सदन में कुल 55 सीटें रखने वाले इन दोनों मुख्य विपक्षी दलों ने खास तौर से पड़ोसी और अहम साझेदार भारत के साथ खराब होते रिश्तों पर चिंता जताई है। दोनों दलों की ओर से जारी एक संयुक्त बयान में भारत को मालदीव के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक बताते हुए मुइज्जू सरकार के भारत विरोधी रुख पर फिक्र जाहिर की है। साथ ही कहा है कि इस ओर ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। मोहम्मद मुइज्जू सरकार की ओर से अनुसंधान और सर्वेक्षण के लिए एक चीनी जहाज को मालदीव के बंदरगाह पर आने की अनुमति देने के फैसले को इन दोनों पार्टियों ने देश की विदेश नीति के दीर्घकालिक विकास के लिए बेहद हानिकारक करार दिया है। बयान में मालदीव की विदेश नीति की दिशा के बारे में दोनों दलों ने कहा, मौजूदा प्रशासन भारत विरोधी रूप दिखाता नजर आ रहा है। MDP और डेमोक्रेट दोनों का मानना है कि किसी भी विकास भागीदार और विशेष रूप से देश के सबसे पुराने सहयोगी को अलग करना देश के दीर्घकालिक विकास के लिए बेहद हानिकारक होगा। वहीं MDP अध्यक्ष फैयाज इस्माइल और डेमोक्रेट पार्टी के प्रेसिडेंट हसन लतीफ ने कहा कि सरकार को मालदीव के लोगों की बेहतरी के लिए सभी विकास भागीदारों के साथ काम करना चाहिए, जैसा मालदीव पारंपरिक रूप से करता आया है। साथ ही हिंद महासागर में स्थिरता और सुरक्षा मालदीव की स्थिरता और सुरक्षा के लिए बेहद खास है। ऐसे में मुइज्जू सभी के साथ मिलकर काम करें। वहीं दोनों दलों के नेताओं ने मुइज्जू से शासन से विदेश नीति को लेकर सोचने की बात कही है। तो ये थी आज की वो अहम खबरें जिन पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।